मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ रेनोवेशन होती है हमेशा। अभी आई एम एट सम रिलेटिव्स प्लेस, वहाँ भी पूरा ऐसे रेनोवेशन हो रहा है। तो रेनोवेशन में कुछ पुरानी चीज़ें निकल के आती हैं, तो मुझे देखो क्या मिला है। ये हमने एक टाइम पे सबने पेंटिंग करी थी, ये जोया ने बनाई है, ये वाली भी जोया ने बनाई है, ये भाभी ने बनाई है, ये जोया ने बनाई है, आई मेड दिस वन, और ये वाली भी जोया ने बनाई है। तो हमने सबने ना पेंटिंग्स करी थी, और अभी अरे जब सफाई और रेनोवेशन हो रही है ना, तो ये निकल के आई है, मतलब दिस वॉज माई फर्स्ट पेंटिंग। हेलो, मंडे मैं ऑफिस गई, मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज फीवर फील हो रहा था। मैं पैरासीटामोल ली, उसके बाद मैं घर चली गई। घर जाते हुए मेरा रास्ते में, मेरे पास कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो मैंने सब कुछ खरीदा, थर्मामीटर, मेडिसिन, पैरासीटामोल, विक्स, ये वो सब खरीदा। तो मैं घर गई तो फीवर मेजर किया 104, मुझे लगा ये थर्मामीटर गलत है उस दिन। ठीक है, मैं पैरासीटामोल लेके सो गई। सुबह मुझे ठीक लग रहा था, मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैं ऑफिस चली गई। ऑफिस से आके फिर मेरे को फीवर फील हो रहा था, फिर मैंने डिजिटल थर्मोमीटर चेंज किया अपना, उसमें आया 101 फीवर। तो 101 फीवर था, तो फिर अल्टीमेटली ट्यूसडे हो चुका था, दिवाली ब्रेक स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने अपने फादर को बोला मुझे यहाँ से ले जाओ, बिकॉज ना तो वहाँ पे मतलब आई के आई डोंट नो वहाँ पे क्यों कौन से डॉक्टर्स अच्छे हैं, क्या है क्या नहीं। आई एम लिविंग अलोन, खाना बनाना है सब। मेरे लैंडलॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने मुझे खाना भी बना के दिया एक दिन। तो उन्होंने बोला मुझे यहाँ से ले जाओ, बिकॉज वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन थे, जिस दिन मतलब वर्किंग डेज थे, उसके बाद से दिवाली ब्रेक स्टार्ट होने की। बट आई वॉज श्योर कि जो मेरी हालत है, मुझे 2-3 दिन लगेंगे, एंड इट इज़ नॉट अ नॉर्मल फीवर। और ये ना फीवर मुझे ऐसे नहीं हो रहा है कि फीवर है, मेडिसिन ली, उतर गया, मतलब तो उसके बाद 1 आवर यू विल फील कि फीवर है, नेक्स्ट आवर फीवर नहीं होगा। इट्स लाइक दैट कि आपको 1 घंटा फीवर है, आधे घंटे बाद लगेगा नहीं है, कुछ खाया फिर नहीं लगेगा। मैं सो के उठी, मेरे फादर को बोला लेके जाओ, सुबह सुबह आए मुझे लेके गए। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला इट्स काइंड ऑफ निमोनिया एलर्जी, और आप जिस प्लेस पे भी गए हो वहाँ पे आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, जो एलर्जी आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, एलर्जी इज़ वेरी स्पेसिफिक, किसी भी चीज़ से हो सकती है। तो डॉक्टर ने मुझे एलर्जी प्रोफाइल कराने को बोला सुबह, और अभी कुछ मेडिसिन दी हैं 3 डेज़ की, और इसे 2-3 दिन पहले आई थिंक थर्सडे और फ्राइडे को मेरे को ना आई में थोड़ा सा पेन तो लग रहा था। फिर मैं उसके बाद हॉस्पिटल गई, वहाँ पे दैट डॉक्टर वॉज वेरी नाइस। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये एलर्जी आपको थोड़ा अनहाइजेनिक कंडीशंस होने से हो रही है, या फिर आई एलर्जी। तो उसके लिए उस डॉक्टर ने मुझे मेडिसिंस भी दी। तो आई का पहले था, नेक्स्ट डे मुझे नेक पेन हो गया, उसके बाद मुझे फीवर हो गया, एंड दिस इज़ नॉट सेटलिंग डाउन। अभी कल एलर्जी प्रोफाइल कराते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या आता है, उसके बाद डिसाइड होगा कि व्हाट इज द फर्दर स्टेप। बेसिक मेडिसिन से दी है 3 डेज की, बहुत ज़्यादा फीवर, कोल्ड और कफ है अभी इस टाइम पे। आई होप आई गेट बेटर, मुझे फेस्टिवल्स का जितना शौक है ना, आई जस्ट वॉन्ट कि 2-3 दिन में ठीक हो जाए। उसके बाद आई कैन एन्जॉय दिवाली अच्छे से, और परमानेंटली रूट आउट हो जाए प्रॉब्लम, वट एवर एलर्जीज वो आइडेंटिफाई हो जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड। देखते हैं क्या होता है, अभी अभी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, तो रेस्ट करती हूँ अभी।